हेलो दोस्तों, स्वागत है विश्वस क्रिएशन में। आज हम लोग देखने वाले फोटोशॉप में अनवांटेड ऑब्जेक्ट कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जो इमेज है इमेज का कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस छे प्रेस करेंगे कीबोर्ड का। प्रेस करने के बाद हम इसका कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद हम जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उसका हम सेलेक्शन बनाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ से ये ब्लैक हटाना है, मैं इसका सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बना करके हम कीबोर्ड का शिफ्ट प्लस F5 प्रेस किया तो अपना डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। इसके बाद हम इसका डिफॉल्ट सेटिंग यूज़ करेंगे और इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फोटोशॉप अपने आप ये अपना रिमूव करके दे देगा। दोस्तों, ऐसे ही हमें इस इमेज को हटाना है। इमेज को हटाने के लिए हम इसका सिलेक्शन पहले बनाएंगे। ये दोस्तों अपना सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन बनाने के बाद हम कीबोर्ड का शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें फॉरग्राउंड दिया है, बैकग्राउंड दिया है, कलर दिया है, कंटेंट है, अवेयरनेस दिया है, पैटर्न दिया है, स्टोरी दिया है, बैक दिया है। तो हम जैसे है बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग है वैसे हम डाल देंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। एंटर पे क्लिक करने के बाद फोटोशॉप कुछ टाइम लेगा। अपना फोटोशॉप रिमूव करके रिमूव कर दिया। अब इसको हम जाएंगे सेलेक्शन में, सेलेक्ट में जाएंगे। सेलेक्ट में जाने के बाद इसको हम रीसेलेक्ट कर लेंगे स्टाइल को। देखिए दोस्तों, ये अपना अनवांटेड ये इमेज जो भी इसमें कैरेक्टर था वो रिमूव हो गया है। और हम इस बैकग्राउंड को हम चाह चाह वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।